जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और जिलेबी एक सही ये तो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ ना करना ना तमिलनाडु को मिला ना कर्नाटक को मिला ना महाराष्ट्र को मिला कुछ नहीं दिल्ली को नहीं दिया तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए खुर्ची बचाने के लिए वो ये सब हुआ है जिसका हम कंडम करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया तो इसका तो हम कंडम करेंगे प्रोटेस्ट करेंगे। तो माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है मुझे मालूम है जिस जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको उस जगह कुछ नहीं मिला और लोग अगर ऐसा आप करते गए अगर बैलेंस नहीं होगा डेवलपमेंट कैसा होगा। जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी एक सही ये तो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ ना करना ना तमिलनाडु को मिला ना केरला को मिला ना कर्नाटक को मिला ना महाराष्ट्र को मिला ना ये पंजाब ना हरियाणा ना राजस्थान ना छत्तीसगढ़ ना किसी स्टेट को कुछ नहीं दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं ओडिशा को कुछ नहीं दिया तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए खुर्ची बचाने के लिए वो ये सब हुआ है इसका हम कंडम करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं नहीं कर्नाटक से आए हैं सर हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला तो इसका तो हम कंडम करेंगे प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक नहीं मैं बोल देता हूँ उन्होंने तो बोलने में सो माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है मुझे मालूम है तो उसी ये तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं मैं अपनी बात आपकी बेटी के बराबर हैं तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूं अगर आप जिस जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई जिस जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको उस जगह कुछ नहीं मिला और लोग अगर ऐसा आप करते गए अगर बैलेंस नहीं होगा डेवलपमेंट कैसा होगा। आज आपके साथ है कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए तो लोग समय में अलग अलग से करते हैं इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए।